ब्रांड न्यू से अपना सल्ला। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अखिलेश यादव जो है केंद्र बिंदु बने हुए हैं और जो है उनके इर्द गिर्द इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति घूम रही है और वह सोशल मीडिया पर भी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है भाजपा पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। हम आपको वो ट्वीट सुनाया देते हैं। इस पर जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ये 10:50 पर उन्होंने ट्वीट किया था आज ही, कि भाजपा के राजनीतिक अमावस्या के काल में संविधान खतरे में है, जिससे माननीय बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी, इसीलिए माननीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश विदेश में दलित दीपावली मनाने का आह्वान करती है। इसके बाद जो है विवाद खड़ा हो गया क्योंकि वहां पर उन्होंने राजनीतिक अमावस्या के काल में जो है काफी विवाद चला। वही आपको बता दें, इसके पीछे आपको राजनीति समझनी पड़ेगी क्योंकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है पंचायत इलेक्शन की जो वोटिंग है वो 15 अप्रैल से शुरू होनी है पहले चरण की, और समाजवादी पार्टी को जो है यदि इन चुनावों में यदि समाजवादी पार्टी जीतती है या फिर बड़ी जीत दर्ज करती है या फिर भाजपा से ज़्यादा सीटें भी लेकर आती है तो एक मनोवैज्ञानिक जीत होगी अखिलेश यादव की। और क्योंकि इसे जो है सेमीफाइनल बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं और अभी जो चुनाव में मात्र 6 महीने बचे, वहीं प्रदेश की जो योगी सरकारें हैं वो भी अपने जो है वादे पूरे करने में लगी है। ये योगी सरकार का भी एक जो है सेमीफाइनल होगा, टेस्ट होगा कि आखिर लोग उनकी गवर्नेंस को कैसे देख रहे हैं, जिस वजह से जो है इस वक्त प्रदेश में जो हो सकता है राजनीति काफ़ी चरम पे। आपको इस तरह के स्टेटमेंट जो है और सुनाई देने को मिल सकते हैं क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को आकर्षित करने के लिए करना चाहती हैं। और वहीं इसके साथ साथ आपको बता दें जो पंचायत चुनाव है वो 4 चरणों में होने वाले हैं, जिनकी वोटिंग 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को होगी और जिसके नतीजे जो है विधानसभा चुनावों के साथ साथ ही आएंगे। और वहीं आपको बता दें ये इसे उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव जो है दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, ऐसा उत्तर प्रदेश का जो है चुनाव आयोग कह रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग के मुखिया ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है क्योंकि इसके अंदर लगभग ग्राम पंचायत की बात करें तो 7,32,563 ग्राम पंचायत के जो है उनको चुना जाएगा, ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा, इसके साथ साथ सदस्यों को चुना जाएगा और सदस्य क्षेत्र पंचायत लगभग 3,000 से अधिक लोगों को चुना जाएगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य 75,000 से ज़्यादा लोग चुने जाएंगे, वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में लगभग 58,000 से ज़्यादा लोगों को चुना जाएगा। जुड़े रहिए SPN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।